हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के चलते महंगाई लगातार आसमान छू रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को साइकिल चलाने और सेहत बनाने की सलाह दे रहे हैं। एक ओर जहां जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर मंत्री आम जनता को समझाने के लिए अजीबोगरीब बयान दे रहे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और आसमान छूते महंगाई को लेकर कहा कि गाड़ियों को घर में रखकर साइकिल चलाओ, इससे सेहत ठीक रहेगी और पैसे भी बचेंगे, वहीं प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने महंगाई की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल से सरकार जो मुनाफा कमा रही है, उस पैसे को गरीबों के कल्याण में खर्च किया जा रहा है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिजली बिल माफ करने के लिखे पत्र पर कहा कि जो दरें कमलनाथ सरकार के समय में सुनिश्चित हैं, वही दरें अभी भी लागू हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में मिलती है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कमलनाथ यह स्पष्ट करें कि वे किन लोगों के बिल की बात कर रहे हैं। प्रदेश में जो हाई लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, सिर्फ उनका बिजली बिल 100 से अधिक आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वे मानसिक गर्मी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश की सरकार इस बार अपने बजट का 21,000 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च करने जा रही है। बात एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? आपसे ज्यादा चलता मैं, मेरी बात में पहले भी क्रिटिसाइज आज हुई है, पहले भी हुई, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी, हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है? ये बात मैंने अकेले आम नागरिक के लिए नहीं कही, ये स्वयं के लिए भी, ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर, आप मेरी पूरी 23 दिन की डायरी देखेंगे उठा के, तो कितना मैं साइकिल पर चलता हूँ, कितना गाड़ी पर चलता हूँ और कितना पैदल चलता हूँ। पर क्यों वो महंगाई पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की माफ करना, मध्य प्रदेश अब एक पूरी बात कह दूं, जरूरत है उसको इलाज की, जरूरत है उसे शिक्षा की, जरूरत है आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया जा, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज, इसकी जरूरत है। जो देश के लिए जरूरत थी उस पर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से ये संकट से दौर गुजरेंगे, तो हम अन्य चीजों पे भी चिंतन मनन करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।